हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सिविल जॉब्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे रेगुलर जॉब अपडेट्स लेकर आता हूं। तो आइए आज फिर से कुछ नए जॉब के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आगे हम कंपनी के वेबसाइट पे, कंपनी का नाम है कोवी। दोस्तों, ये एक एमएनसी है। दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर में जॉब देख रहे हैं चाहे बीआईएम में जॉब देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो है दोनों ही, जो स्ट्रक्चर और बीआईएम दोनों में जो है इंटर्नशिप, पहले स्टार्टिंग में जो एमएनसी है इसमें इंटर्नशिप दिया जाएगा। इंटर्नशिप में भी आपको पेमेंट देगा मिलेगा ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 के बीच में। उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 25,000 से 40,000 के बीच में आपका सैलरी होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बीआईएम, ये जो वीडियो है इसमें मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियर फ्रेशर के लिए, और जो बीआईएम में अगर आप देख रहे हैं बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में अगर फ्रेशर है तो मैंने इस पे 2 दिन पहले ही इसी कंपनी का वीडियो बनाया है। तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में उसका लिंक होगा या फिर आई बटन में, तीनों पे इसका लिंक दिया हुआ है, कहीं से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिटेल में देख के अच्छे से अप्लाई करें। क्योंकि दोस्तों, इसमें बल्क में हायरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी होती है और ये साल में 2 बार वैकेंसी निकलता है। इस पर मैंने पहले भी, 6 महीने पहले भी मैंने मई में जब वैकेंसी आया हुआ था उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें 3 लोगों का हमारे थ्रू हुआ था। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के बाद मैंने उनको गाइड किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड भी करूं, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप बताएंगे, ठीक है, बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको पूरी हेल्प करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए एमएनसी है, तो इसमें दोस्तों आपको, मैं जैसे मैंने बताया, आपको इंटर्नशिप में भी पेमेंट दिया जाएगा, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब भी मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, वहां पर लिंक पर क्लिक करके, जैसे उसके बाद आपको करियर्स पर क्लिक कर देना है। करियर्स पर क्लिक करते ही आपको क्या करना है, ये नया करियर्स का सेक्शन खुलेगा, उस पर नीचे जाना है और देखिए जॉब्स इन इंडिया पे आपको क्लिक कर देना था। जॉब्स इन इंडिया पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इंडिया सेक्शन का जो, इंडिया का जो भी जॉब है वो खुल जाएगा। देखिए, तो अगर आप बीआईएम में जॉब देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, बीआईएम ट्रेनिंग बिल्डिंग, ठीक है। तो बीआईएम ये ट्रेनिंग के लिए इसका 19 दिसंबर लास्ट है, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा क्या है, ये देखिए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने इसमें स्ट्रक्चर के लिए है उसके लिए मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है, स्ट्रक्चर में जॉब देख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, हाँ ठीक है दोस्तों, ये देखिए खुल गया है, ठीक है। तो इसका ये रहा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके, इसका पोस्ट का नाम है, ये मरीन के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको जो मरीन, जो जैसे कि पोर्ट वगैरह का जो स्ट्रक्चर होता है स्टील स्ट्रक्चर, वो आपको डिजाइन करना होगा। तो ये बिल्कुल ही फ्रेशर के लिए, इसमें एक्सपीरियंस का कोई भी काम नहीं है, थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेशर के लिए। और दोस्तों, आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आपका चेन्नई होने वाला है, तो आप इंडिया में कहीं भी है तो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एमएनसी है दोस्तों, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है और इसमें आपको अच्छा खासा पेमेंट भी मिल रहा है इंटर्नशिप के टाइम भी, और उसके बाद आपका जो जॉब लगने वाला है उसमें भी फिक्स जॉब है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होना है, आपको जॉब लग जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका। तो मैं, अब देखिए ये कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे टॉपिक, ट्रेनिंग के टाइम में क्या टॉपिक कवर होगा उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। देखिए नॉलेज इंपोर्ट, आपको मतलब ट्रेनिंग जो होगा, पहले 3 महीने का 2 ट्रेनिंग होगा, 3 महीने का एक क्लासरूम ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा और बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको 6 मंथ दूसरा जो ट्रेनिंग है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा किसके बारे में, आपको जो इंजीनियर के अंदर एज ए असिस्टेंट काम करना होगा, जो एक्सपीरियंस इंजीनियर है प्रोजेक्ट मैनेजर उनके अंदर एज ए असिस्टेंट काम करना होगा। उसके बाद आपको 6 महीने तक उसमें ऐसे काम करना है, उसमें आपको फुल सैलरी दिया जाएगा और उसके बाद एक आपका फुल टाइम जॉब फिक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कन्फर्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, सॉरी दोस्तों, मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, मैं खांसी है, फीवर भी है इसलिए मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें ये सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाएगा आपको, स्टैट प्रो, ये डिजाइन सॉफ्टवेयर, उसके बाद टेक्ला रेबिट के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिखाया जाएगा। सॉरी दोस्तों, मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो आप इसको आके पढ़ लीजिएगा डिटेल में। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या, होल्ड ए मास्टर डिग्री इन एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, और मरीन इंजीनियरिंग है, जैसे आपने कर रखा है स्ट्रक्चर या फिर मरीन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2020 और 2021 पास आउट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई कोर्स कर रखा है, जैसे ऑनलाइन कोर्स होता है, ऑफलाइन कोर्स होगा किसी भी इंस्टीट्यूट से, जो 2 महीने 3 महीने या फिर 6 महीने का जो कोर्स होता है डिजाइन का, वो आपने कर रखा है, तो सॉरी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि ये फ्रेशर के लिए तो बेसिक नॉलेज ही मांगा गया, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हल्का फल्का आपको और जैसे कि स्टैट प्रो ये सब 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ये सब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ठीक है। उसके बाद अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। तो दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स नहीं कर रखा है, क्योंकि इसका जो हायरिंग प्रोसेस जो है वो 2 से 3 महीने चलता है, तो आप अप्लाई कर दें। उसके बाद अगर आपने एमटेक कर रखा है तो आपने अप्लाई कर दें, उसके बाद आप ऑनलाइन कहीं से 1 महीने का 2 महीने का जो कोर्स होता है वो ज्वाइन कर लें और आप कोर्स कर लीजिए, जिससे आपको सर्टिफिकेट भी एक मिल जाए, ठीक है दोस्तों। अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैंने पिछले जो BIM का वीडियो उसमें भी मैंने बताया हुआ है, इसमें मेरा जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा कैसे अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको 3 चीज़ चाहिए होगा। पहला तो है आपको CV जो है, ये देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या काम करवाया जाएगा आपको मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, CV अपडेट करना है। उसके बाद दूसरा आपको क्या बनाना है, एक पोर्टफोलियो बनाना है और एक कवर लेटर बनाना है, क्यों आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें यह भी लिखना है आपने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्यों चुना और यही कंपनी को आप क्यों चूज कर रहे हैं, इसमें इस जॉब को ही क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कवर लेटर में अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, उस पर नॉर्मल जैसे कि मैं दिखा देता हूँ बेसिक चीज़, जैसे इस अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं देखिए उसका वो खुल जाएगा। तो ये चीज़ वही लिखा हुआ है जो पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से आप अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर लॉगिन करने का आएगा। तो आप यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट करके क्लिक करना है इस पर, और फिर आपको साइन अप कर लेना है। मेरा ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे खुल गया, फिर से आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, फिर से वही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए आ गया, यहाँ पे देखिए मेरा नाम वगैरह डिटेल वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए मैंने CV डाला हुआ था, ये मैंने अप्लाई करके पहले एक वीडियो बनाया था 2 मई में, तब मैंने किया था। उसका जो कवर लेटर है और जो एडिशनल जो आपको जो कवर ये है आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पोर्टफोलियो डालना होगा, उसके बाद बाकी आपको बेसिक डिटेल फिलअप करके आपको फिर से क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको देखिए नेक्स्ट खुल जाएगा, यहाँ पे जैसे कोई जो चीज़ जेंडर वगैरह मिसिंग है। सबसे मेन क्वेश्चन है दोस्तों ये है 3 चीज़ें, यहाँ पे ये तीनों चीज़ आपने है कवर लेटर, CV और यहाँ पे पोर्टफोलियो, यहाँ पे डाल देना है। और या चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कवर लेटर के डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे मेन चीज़ ये 3 क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज़रूरी है। आप जो है डिजाइन कंसल्टेंसी ये जो है इसी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहता है, इसमें आंसर लिखना है आपको। उसके बाद वाई आर यू इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है, स्ट्रक्चर में ही क्यों इंटरेस्टेड है। तीसरा क्या है, ये कौन सा कोर्स आपने कर रखा है, ठीक है, उसके बारे में कहाँ से कर रखा है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल डालना है। अगर आपने गेट डाल रखा है तो यहाँ पे कर सकते, यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, गेट स्कोर, ठीक है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इतना ही बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों अगर आप स्ट्रक्चर में जॉब देख रहे हैं, आपने एमटेक कर रखा है, तो बिल्कुल इसको जाके अप्लाई करें, क्योंकि इससे अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क फॉर योर ड्रीम एंड रिमेंबर टुगेदर वी कैन बीट अनएम्प्लॉयमेंट।